सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ओके, सो हार्ट का डायग्राम आप देख लेते हैं. सो आपको एक जनरल डायग्राम के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं, तो 1, 2, 3, 4 देयर फोर चैम्बर्स. दिस इज ऑरिकल, इसे ऑरिकल कहा जाता है. दिस आर टर्म्ड एज वेंट्रिकल. ठीक है, दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. आई एम सॉरी, आप इस तरीके से खड़े हो तो दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, सो नाउ विल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, सो आप देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूं. सो मेक इट दैट वे. हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है. ठीक है, इस तरीके से बनाओ. सेम चीज आपको अपोजिट में बनानी है. ठीक है, क्लियर. सो ये हो गए आपके दो वेंट्रिकल्स. ठीक है, अब क्या करना है, इन वेंट्रिकल्स को क्लोज कर देते पहले. तो इसके सपोर्ट में आप एक ट्यूब बनाओगे. ठीक है, दिस हैज टू बी इलोंगेटेड अ बिट. इस तरीके से दिखाओ. और ये जो ट्यूब है, ये जो आपका ब्लड वेसल है, ये ब्लड को ले जाएगा लंग्स के पास. तो लंग्स दो है, तो दो में डिवाइड होना चाहिए. तो ये डिवाइड हो जाएगा दो में. ठीक है, सो ब्लड यहां से फ्लो करेगा, लंग्स के पास जाएगा, राइट लंग के पास जाएगा, लेफ्ट लंग के पास जाएगा यहां से. ठीक है, अब इसको भी बंद कर देता हूं. ठीक है, तो इसको बंद कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे दूसरा कलर यूज करता हूं. ये जो ट्यूब है पीछे से जा रही है. कहां से जा रही है, पीछे की तरफ से जा रही है. तो इसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा आपको आगे की तरफ नहीं दिखेगी. इट हैज बीन ओवरलैप्ड बाय दिस ट्यूब. और इसका दूसरा वॉल जो है वो वॉल यहां पे है. ये ब्लड कहां लेके जाएगी, तो ये लेके जाएगी पूरे बॉडी के पास. ठीक है, इसके नीचे से जा रही है और ये वाला जो ट्यूब है उसके ऊपर से निकल रही है. इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं. इज इट क्लियर, डन. सो ये दो वेंट्रिकल्स काफी ज्यादा क्लियर है. ठीक है, नाउ हर एक वेंट्रिकल के दो ओपनिंग्स होते हैं, हर एक ऑरिकल के दो ओपनिंग्स है. सो आई ड्रॉ अ ओपनिंग हियर, दिस इज वन ओपनिंग, एंड आई ड्रॉ द अनदर ओपनिंग गोइंग फ्रॉम द टॉप. इसको और एक्सटेंड कर देते हैं ऐसा है तो. ठीक है, आउटलाइन बना देता हूं मैं. अच्छा, आउटलाइन दूसरे कलर से बना देंगे. सेम गोज फॉर दिस वन, इसके भी दो ओपनिंग्स है. ठीक है, और ड्रॉ द आउटलाइंस.
ठीक है, सो दिस इज द हार्ट। आल इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ में उठा देता हूँ सो दैट इट लुक्स मच मोर बेटर नाउ। ठीक है, और ये जो यहां दिखाया था ठीक है, सो दिस इज द हार्ट। ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में पूछा जाता है लेबलिंग के साथ। ठीक है, सो इट हैज टू बी टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप देख सकते हो दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। डन, क्लियर है? सो द साइज ऑफ द हार्ट इज द साइज ऑफ योर व्हाट यू कॉल योर पंच, आपका जो पंच है आपकी जो मुट्ठी है उतनी साइज का आपका हार्ट होता है। तो आप देख सकते हो आपकी मुट्ठी बना के कि आपकी हार्ट की साइज कितनी होगी। क्लियर है? सो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। एक और चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, डन। सो नाउ दिस इज द राइट ऑरिकल। ये क्या है? राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल्स को जो डिवाइड कर रहा है, दिस पोर्शन इज डिवाइडिंग देम, दैट इज नोन एज द सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, अब सेप्टम के ऊपर जाते हैं तो ये आपके दो ऑरिकल्स हो गए। ठीक है, अब जो हार्ट है उसके, हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, वहां पे देयर वाज प्रेजेंस ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, तो उसी तरीके से यहां पे भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड। क्या है? वहां पे भी, यहां पे भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड एंड दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड कहा जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, और जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और अंदर जो फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या करेगा? जैसे लंग्स को शॉक से बचाता था वैसे हार्ट को भी शॉक से बचाएगा। नाउ ये दो जो ट्यूब है दिस इज ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो आपने नाम लिखा था जो ट्यूब्स लंग से ब्लड लेके आती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। दो टर्म रहती है पल्मोनरी वेन। तो ये क्या हो गया? दिस इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये वाली जो ट्यूब है इसका काम है नीचे बॉडी के, हार्ट अगर यहां पे है तो नीचे से पूरा ब्लड लेके हार्ट में आना, ये काम है ये वाली ट्यूब का। तो दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा। क्या कहा जाता है इस ट्यूब को? इंफीरियर, क्योंकि ये लोअर बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आती है, और ये जो ट्यूब है ये ब्लड कहां से लेके आती है? अपर बॉडी से। सो दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा। इसे क्या कहा जाता है? सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है यहां से जो दो में डिवाइड हुई थी, ये ट्यूब ब्लड को कहां ले जा रही है? लंग्स के पास ले जा रही है, तो इसका नाम क्या है? So this is known as pulmonary artery. This is known as pulmonary artery. This is same है. ठीक है, और ये जो ट्यूब है
ये ट्यूब ले जा रही है ब्लड को कहां पे, पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ले जा रही है, दिस इज टर्म्ड एज एओर्टा, दिस इज टर्म्ड एज एओर्टा, ठीक है। एओर्टा का काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाना, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये जो रेड कलर के दिखा रखे, ये मसल्स है, क्या है, जैसा मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे फ्लैप्स है, वाल्व्स है, ओके, जैसे कि ये दरवाजे के जैसे यूं, जब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो खुल जाएंगे और जब ब्लड नीचे चला जाएगा तो वापस बंद हो जाएंगे, दे वुड मूव लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये फ्लैप के जैसे काम कर रहे, ठीक है। सो ये जो फ्लैप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो फ्लैप प्रेजेंट उसे कहा जाता है बाइकस्पिड, और आई सिंपली पुट एज वाल्व, दिस आर दी वाल्व्स, ठीक है। यहां पे भी ये जो है इन्हें भी वाल्व्स कहा जाता है, सेमीलुनार वाल्व्स एंड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द होल डायग्राम, ओके। सो मैं ब्लड का फ्लो दिखाता हूं, तो अपन एक काम करते हैं, विल टेक ब्लैक कलर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लू कलर फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर अपर बॉडी सेंटर होगा, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी सेंटर होगा, ठीक है। अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा सेंटर होगा, लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा सेंटर होगा, और फिर ऑरिकल में आ जाएगा, एट्रियम में आ जाएगा, एट्रियम से कहां जाएगा, एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड जाएगा याली ट्यूब में, और याली ट्यूब से कहां जाएगा, याली ट्यूब से जाएगा लंग्स के पास, दो लंग्स होती है इसलिए आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है और दोनों लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, डिफ्यूजन होगा। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो एंटर होगा पल्मोनरी वेन से, ठीक है, फिर कहां जाएगा, इट वुड गो टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप करेगा कहां पे, एओर्टा में, कहां पे पंप करेगा, एओर्टा में, और एओर्टा से कहां जाएगा, एओर्टा से जाएगा ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स के पास। तो ये आपका फ्लो हो गया पूरा। सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करके सब डिटेलिंग्स को अच्छे से कॉपी करो, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक बार फ्लो फिर से लिख देता हूं तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, ठीक है। सो लेबलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रियम का दूसरा नाम ऑरिकल भी है, ठीक है, एट्रियम का दूसरा नाम ऑरिकल भी है। सो लेट्स गो थ्रू द थ्योरी, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा में, लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर जाएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, वेन से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पार्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पैटर्न है, पाथवे है, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही है। हार्ट भी कहां प्लेस्ड है, थोरासिक कैविटी में प्लेस्ड है। ये दोनों चीजें हार्ट एंड लंग्स आर प्लेस्ड बाय इन थोरासिक कैविटी, हार्ट एंड लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरासिक कैविटी, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स आर प्लेस्ड इन द थोरासिक कैविटी, तो थोरासिक कैविटी किससे बनी है, सो थोरासिक कैविटी बनी है आगे के साइड एंटीरियर में, देयर इज रिब, फ्रंट देयर इज रिब्स, बैक में क्या है, सो बैक में देयर इज व्हाट यू कॉल नर्व कॉर्ड और द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है पीछे की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, बिलो देयर इज डायफ्राम, ठीक है। तो एक बॉक्स बन गया, आगे की तरफ रिब्स है, पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, और बिलो नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम है। तो एक पूरा बॉक्स बन गया, जो बॉक्स है, जो कैविटी है, इसे कहा जाता है थोरासिक कैविटी, इस बॉक्स को, इस कैविटी को कहा जाता है थोरासिक कैविटी, ठीक है। सो फ्लो देख लेते हैं। सो वेना कावा
अपर वेना कावा से ब्लड आएगा अपर बॉडी पार्ट से, लोअर वेना कावा से लोअर बॉडी पार्ट से, तो ब्लू में लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन, वेना कावा से कहाँ जाएगा, सो दिस गोज टू दी राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, तो राइट ऑरिकल से जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सो राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, सो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के पास, कहाँ पे लंग्स के पास, लंग्स में क्या होगा एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है डिफ्यूजन होगा, और फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, तो अपन रेड से दिखाते हैं, रेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, सो लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वेन से होता हुआ इट वुड गो टू दी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा, और एओर्टा से कहां जाएगा, एओर्टा से जाएगा बॉडी पार्ट्स को, कहां जाएगा बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स में भी क्या होगा, सेम डिफ्यूजन होगा, बॉडी पार्ट्स में भी डिफ्यूजन होगा, ठीक है। मतलब बॉडी पार्ट्स क्या रिलीज करेंगे, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को O2 को एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज क्या करेंगे, तो बॉडी पार्ट्स रिलीज करेंगे CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है O2 को एब्जॉर्ब करेंगे CO2 रिलीज करेंगे, और लंग्स में क्या होगा, लंग्स में O2 बाहर जाएगा, ओके बाहर मतलब पल्मोनरी वेन के पास जाएगा और CO2 अंदर आएगा। तो ये पूरा पाथवे है किस तरीके से ब्लड ट्रैवल करता है, फिर से वेना कावा से राइट ऑरिकल, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट में एंटर होता है हार्ट के, तो आपका आंसर होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट ऑरिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो राइट से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड है, रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो पल्मोनरी वेन, वेन से ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब जो हार्ट है वो पंप करता है, तो आपको बताइए आप बोलते हो हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो हार्ट बीट में, हार्ट बीट किस तरीके से होता है, तो हार्ट रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिलैक्स में जो आप बायोलॉजिकल टर्म अपन यूज करते हैं दैट इज डायस्टोल, कौन सा वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल, और कॉन्ट्रैक्ट में अपन जो वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, क्या है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट होना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोल हुआ, और वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है तो उसे बोलेंगे रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। सो रिलैक्स इज डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट इज सिस्टोल, ठीक है। जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ सिस्टोल इज 120 mm/Hg, 120 mm/Hg, दिस इज द नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, mmHg बोल सकते हो, एंड दिस इज 80 mmHg, दिस इज 80 mmHg, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर,
ओके सो वी हैव अ डिवाइस नोन एज स्पाइग्मोमैनोमीटर ओके विच इज यूज्ड ये किस काम में आता है टू डिटेक्ट द ब्लड प्रेशर इसको आप यूज कर सकते हो टू डिटेक्ट ब्लड प्रेशर तो अगर पूछा जाता है कि कौन सी चीज को यूज किया जाएगा टू डिटेक्ट ब्लड प्रेशर तो आप बोलोगे द डिवाइस इज नोन एज स्पाइग्मोमैनोमीटर ठीक है आपने एक और चीज देखो कि डॉक्टर वो कान में लगाता है ओके और उससे आपकी हार्ट बीट सुनता है ठीक है स्टेटोस्कोप जिसको बोलते हैं तो वो हार्ट बीट में क्या सुन रहा है तो हार्ट बीट में वो एक्चुअली सुन रहा है सिस्टोल एंड डायस्टोल को ओके तो आपका हार्ट बीट जो है उसका एक पर्टिकुलर साउंड है सो दैट इज द साउंड इज लब एंड डब हार्ट का साउंड धक धक नहीं होता हार्ट का साउंड क्या होता है लब डब होता है तो जब वो स्टेटोस्कोप में सुनता है डॉक्टर तो ही इज एक्चुअली लिसनिंग लब एंड डब क्या सुन रहा है लब एंड डब सुन रहा है ठीक है तो लब कब होता है लब दिस आर अकरिंग व्हेन दी वाल्व्स आर क्लोज्ड जब हार्ट के अंदर जो वाल्व लोकेटेड है वो बंद हो जाती है ओके ओपन होती है बंद होती है तो जब बंद होगी तो लब होगा ओके सॉरी जब ओपन होगी तो लब होगा बंद होगा तो डब होगा ठीक है क्लियर है सिंपल एंड इजी सो द साउंड ऑफ द हार्ट इज लब डब ठीक है डन सिंपल एंड इजी सो नाउ मूविंग अहेड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देख लिया अब प्लांट्स के केस में कैसे होता है सो प्लांट्स की अगर बात करते हैं प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स के केस में दो स्पेशल ट्यूब्स होती है एक ट्यूब का नाम है जाइलम दूसरी ट्यूब का नाम है फ्लोएम आपने इनका नाम सुना होगा ओके जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो ये ट्रांसपोर्ट फूड ये खाली फूड ट्रांसपोर्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है ये करता है वाटर एंड मिनरल दो चीजें ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है एक और चीज जो जानना इंपॉर्टेंट है जो फ्लो है जाइलम में फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल और यहां पे जो फ्लो होता है बाई डायरेक्शनल मतलब बोथ द वेज नॉर्मली पानी आप देखोगे तो पानी कैसे जाता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ओके फ्रॉम डाउन टू अप फ्लोएम नॉर्मली जाता है लीव से स्टेम के पास बट एडवर्स कंडीशन में वो नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो अपने लीव से करेगा ठीक है तो प्लांट्स भी काफी स्मार्ट होते हैं व्हाट दे डू इज वो अपने अलग अलग पार्ट्स में खाना स्टोर करते हैं ठीक है तो नॉर्मली खाना जो बना जैसे फोटोसिंथेसिस लीव्स में हुआ जो खाना बना वो खाना ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और प्लांट उस खाने को स्टोर करेगा रूट में स्टोर कर सकता है स्टेम में स्टोर कर सकता है जैसे कि आलू है पोटैटो है तो पोटैटो एक एग्जांपल है किसका स्टेम का जिसने खाना स्टोर किया है गाजर है कैरेट है रेडिश है ये एग्जांपल है किसका रूट स्टोरिंग फूड ठीक है ऑनियन इज एन एग्जांपल ऑफ लीफ स्टोरिंग फूड ठीक है मतलब प्लांट्स क्या करता है अपने अलग अलग पार्ट्स में खाने को स्टोर करता है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो खाना बन रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बना रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा बट अगर एडवर्स कंडीशन आ गई ओके काफी रेनी एटमॉस्फेयर है ठीक से सनलाइट नहीं आ पा रही प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो उस टाइम पे क्या होगा जो खाना उसने स्टोर किया था अपनी रूट्स में या अपने स्टेम में या अपने लीव्स में वो खाने को नीचे से लीव्स के पास भेजा जाएगा कहाँ भेजा जाएगा लीव्स के पास इसीलिए फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है उसे क्या कहा जाता है बाईडायरेक्शनल कहा जाता है क्या कहा जाता है बाईडायरेक्शनल कहा जाता है और इसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को यूनिडायरेक्शनल ही कहा जाता है क्योंकि आप कितनी भी बारिश गिरे प्लांट जो है वो पानी जमीन से ही एब्जॉर्ब करेगा वो लीव से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट पानी जमीन से ही एब्जॉर्ब करेगा लीव से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ठीक है तो प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीज अवेलेबल है जाइलम एंड फ्लोएम अवेलेबल है ठीक है मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ यहाँ पे लिखते हैं पोटैटो क्या है तो पोटैटो है स्टेम जो खाना स्टोर कर रहा है ओके फिर कैरेट क्या है तो कैरेट इज अ रूट स्टोरिंग फूड ठीक है और
ऑनियन क्या है? तो ऑनियन आर लीव स्टोरिंग फूड, ठीक है? सो पोटैटो इज अ स्टेम स्टोरिंग फूड, कैरेट इज अ रूट स्टोरिंग फूड एंड ऑनियन इज अ लीव स्टोरिंग फूड, ठीक है? सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि पानी नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, हाउ इज वॉटर मूविंग अपवर्ड्स. सो पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एक चीज काम में आती है, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल. क्या काम में आता है? ट्रांसपीरेशन पुल काम में आता है. उस ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, आपको बताता है प्लांट में क्या होता है, वाटर लॉस होता है स्टोमाटा के थ्रू. तो पानी का जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ लीफ, ठीक है, और ये आपके रूट्स आ गए, तो जब पानी यहां से इवोपरेट होता है, पानी लीफ से इवोपरेट हो जाता है, ट्रांसपीरेशन होता है पानी का, तो यहां पे पानी का अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस इन द लीफ, ठीक है. और नीचे जमीन में तो पानी का प्रपोर्शन काफी ज्यादा है, सॉइल के अंदर तो पानी का प्रपोर्शन ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा, मतलब इट वुड मूव फ्रॉम द लोअर एंड टू द हायर एंड, ठीक है. तो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे पानी का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया. ओके, अगर पानी का अमाउंट यहाँ पे कम हो रहा है तभी पानी क्या करेगा, अपने लोअर अमाउंट से, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा. और जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने साथ मिनरल्स को भी कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द रीजन ट्रांसपीरेशन पुल, नहीं ट्रांसपीरेशन पुल. ओके, दिस इज द रीजन ट्रांसपीरेशन पुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? सो नाउ लेट्स मूव अहेड. सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है. सो एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है एक्सक्रीशन के लिए. ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट थिंग्स फॉर एक्सक्रीशन. ओके, जो जैसे कि अपनी बात हुई थी एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ था उसमें जो वेस्ट बना था उस वेस्ट को ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, और फिर ब्लड के अंदर वेस्ट काफी सारा हो जाएगा तो उस वेस्ट को आपको ब्लड में से निकालना पड़ेगा. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन. एंड उसके अंदर कौन हेल्प करेगा, किडनीज. अपनी बॉडी में, हायर एनिमल्स की बॉडी में किडनीज हेल्प करती है, ठीक है. तो दूसरे एनिमल्स में कौन हेल्प करता है? सो एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में कौन काम में आएगा, तो अगर मैं बात करता हूं, टॉक अबाउट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया काफी लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके केस में जो चीज काम में आती है दैट इज फ्लेम सेल्स. क्या कहा जाता है? फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. अगर मैं बात करूं अर्थवर्म का, इफ आई टॉक अबाउट अर्थवर्म, अर्थवर्म अपने कंपैरेटिवली तो लोअर ऑर्गेनिज्म हुआ, तो अर्थवर्म के केस में जो चीज हेल्प करती है दैट इज नोन एज नेफ्रीडिया, दैट इज नोन एज नेफ्रीडिया, ठीक है. और कॉकरोच के केस में, कॉकरोच के केस में जो चीज काम करती है उसे क्या कहा जाता है, दूसरा टर्म है मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है उस चीज को. और अपने केस में, ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में, हायर एनिमल्स की बात करें तो जो चीज काम करती है दैट इज नोन एज किडनी, That is known as kidney, ठीक है. So planaria में क्या है, flame cells है, earthworm में nephridia है, cockroach में malpighian tubules है, और higher animals में क्या है, kidney है, ठीक है. तो अपन higher animals की बात करते हैं. Okay, अब जो excretion होता है, okay, जो urine होती है, उस urine में क्या चीजें होती है, तो depending on the excretion, we have three types of animals, okay. Excretion जो है तीन type के होते हैं. One is known as अमोनिया सिक्रीट करने वाले एनिमल्स है, यूरिया सिक्रीट करने वाले एनिमल्स है, ठीक है, एंड यूरिक एसिड सिक्रीट करने वाले एनिमल्स. तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, जिनके यूरिन में अमोनिया निकल रहा है, जिनके यूरिन में यूरिया निकल रहा है, जिनके यूरिन में यूरिक एसिड निकल रही है. तो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं दोज एनिमल्स आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स. क्या कहा जाता है उन्हें, दोज एनिमल्स आर टर्म्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स. जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दोज आर टर्म्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स. क्या कहा जाता है उन्हें, यूरियोटेलिक एनिमल्स. और जिन जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल्स. कौन सा एनिमल, यूरिकोटेलिक
एनिमल्स. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया रिलीज होने वाले प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म. ठीक है, यूरियोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. ठीक है, इज द नेम ऑफ द प्रोसेस एंड द एनिमल्स आर टर्म्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल. अगर यूरिया रिलीज हो रहा है तो यूरियोटेलिक एनिमल, अगर यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो यूरिकोटेलिक एनिमल. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, फिश, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक स्पॉन्जेस एंड फिश. स्पॉन्जेस एंड फिश, ठीक है, स्पॉन्जेस एंड फिश. यूरोटेलिक एनिमल की बात करो तो यूरोटेलिक एनिमल्स में आते हैं अपन. सो द एग्जाम्पल्स आर व्हाट यू कॉल, मरीन फिश आप ले सकते हो, एडल्ट एम्फीबियंस, मैमल्स, मैमल्स, एडल्ट एम्फीबियंस, ओके, मरीन फिश, ओके, और वी कैन ऑल्सो पुट सम एनिमल्स लाइक वी कैन टर्टल्स एंड टर्टल्स. ठीक है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स में कौन आता है, तो यूरिकोटेलिकल एनिमल्स में आते हैं स्नेल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ओके, और एक और चीज आती है दैट इज बर्ड्स, या फिर आई कैन ऑल्सो पुट इट एज डेजर्ट एनिमल्स भी आप डाल सकते हो. ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है यहां पे कि जो अमोनिया है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है. अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया इज मॉडरेट टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक. तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन है, तो आप बोलेंगे अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजनस है, अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजनस है, सेकेंड यूरिया है, और थर्ड कौन है, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है. तो जो चीज सबसे ज्यादा टॉक्सिक है उसको अगर आपको बॉडी से बाहर निकालना है तो आपको सबसे ज्यादा वाटर यूज करना पड़ेगा. मतलब मैक्सिमम वाटर का यूज कहां पे होगा, जो मैक्सिमम टॉक्सिक है वहां पे होगा. सो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम वाटर इज रिक्वायर्ड. क्या होता है मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड है, यूरिया में मॉडरेट टॉक्सिक है तो मॉडरेट वाटर चाहिए. ठीक है, और यूरिक एसिड में एकदम कम वाटर चाहिए, लीस्ट वाटर. मतलब इन एनिमल्स को कम पानी कंज्यूम करना पड़ेगा. आप पानी पीते हो ना, तो आप मॉडरेट अमाउंट में पानी पीते हो, बट जो एनिमल पानी में रहते हैं, ओके, फिश, तो फिश के केस में तो पानी बहुत सारा अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकती है, पानी कंज्यूम करके ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट को निकाल सकती है. और सबसे कम पानी किनको रिक्वायर्ड है, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं. डेजर्ट एनिमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है. आपने देखा होगा अगर आप बर्ड्स की बात करो तो बर्ड्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो सेमी सॉलिड होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है. सो दैट कंटेन्स यूरिक एसिड, दैट कंटेन्स यूरिक एसिड. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दी यूरिया, यूरिया एक्सक्रीट करते अपन, ओके, तो विल टॉक अबाउट द किडनी. सो किडनी की बात करें, वेट अ सेकंड, ओके, सो विल टॉक अबाउट द किडनीज. ओके, सो किडनी की बात करते हैं. सो किडनीज आर लोकेटेड बिहाइंड द एब्डोमेन, एब्डोमेन वाला जो कैविटी उसके पीछे की तरफ लोकेटेड होता है, एंड दे आर बीन शेप्ड. ठीक है, एक किडनी जो है राइट किडनी लोअर होगा और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा. द रीजन इज यहाँ पे लीवर होता है. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर आता था, तो लीवर की वजह से ये किडनी थोड़ा सा नीचे होता है. एंड देयर इज दिस यूरेटर,
and it opens into a pouch. It opens into a pouch. Okay, this is known as the bag जहाँ पे urine को store किया जाएगा. Okay, so यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, this is kidney. ठीक है, kidney से जो tube निकल रही है उसे क्या कहा जाएगा? That is known as ureter. Okay, कितने ureter है? दो ureter होने चाहिए. ठीक है, ये क्या है? This is uterus. I'm sorry, this is the urinary bladder. This is urinary bladder, और ये जो चीज है, this is known as the what do you call, urethra. This is known as urethra, जहां से यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाएगी. ठीक है, so there is a pair of kidney, there is a pair of ureter, there is one urinary bladder and one urethra. ठीक है, अभी यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, किडनी को ब्लड चाहिए, तो किडनी को ब्लड, जो ब्लड वेसल्स देंगे उन ब्लड वेसल का नाम है रीनल आर्टरी. ऑक्सीजन वाला ब्लड जो देंगे, दैट इज रीनल आर्टरी. ओके, दैट इज रीनल आर्टरी. और ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया तो डी ऑक्सीजन वाला ब्लड भी बाहर निकालना पड़ेगा. सो डी ऑक्सीजन वाला ब्लड बाहर निकालने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्यूब, दूसरी ट्यूब भी होती है जो डी ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या करेगी, बाहर निकालेगी. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रीनल वेन. इसे क्या कहा जाएगा? रीनल वेन कहा जाएगा. ठीक है, और ये जो पूरी ट्यूब है, दैट इज नोन एज द वेना कावा. इसे क्या कहा जाएगा? वेना कावा. और जो ब्लू वाली ट्यूब है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एओटा. That is going to be termed as aorta. ठीक है, so we'll look at the structure of kidney now. किडनी किस तरीके से होती है और किस तरीके से यूरिन को फिल्टर करती है. So किडनी की अगर बात करें अंदर से देखें तो it's going to look like this. ठीक है, किस तरीके से किडनी दिखेगा अगर किडनी को अंदर से देख रहा हूं? ठीक है, दिस इज द इनर साइड ऑफ द किडनी. ठीक है, दिस पोर्शन इज द यूरेटर, दिस पोर्शन इज द यूरेटर. बाहर का जो रीजन है किडनी का, आउटर रीजन, आउटर कवर जो है, दैट कवर इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स. द कवर इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स. This portion is known as the, this is capsule, not the cortex, this is capsule. Okay, this portion is known as the renal cortex. फिर ये वाला जो portion आता है, this is known as renal medulla. This is known as renal medulla. ठीक है, और ये जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज द रीनल पेल्विस. सो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड रीनल कैप्सूल. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है किडनी के अंदर, जिसे कहा जाता है नेफ्रॉन. जैसे लंग्स के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर था जो डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा था, दैट वाज टर्म्ड एज एल्वियोलाइ. उसी तरीके से यहां पे जो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में यूरिन फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज नेफ्रॉन. ठीक है, तो नेफ्रॉन का लोकेशन कैसा होता है, यहां पे दिखाता हूं. आधा नेफ्रॉन इस तरीके से होता है. नेफ्रॉन आधा होता है मेडुला में और आधा होता है कॉर्टेक्स में.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो अगर आपको पूछा जाता है कि नेफ्रॉन, काफी सारे नेफ्रॉन होते हैं ओके, तो नेफ्रॉन आधा कहाँ होगा, याला पोर्शन को क्या नाम दिया अपन ने, दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज कॉर्टेक्स, और याले पोर्शन को क्या नाम दिया है, मेडुला. ठीक है, सो नाउ विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन ही करता है. द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज डन बाय नेफ्रॉन. बड़ा नहीं होता, आपको समझाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूं मैं. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. इसको लेबल कर लेते हैं. ये जो है इसे कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल. क्या कहा जाता है इसे, दिस इज टर्म्ड एज नाम याद रखने पड़ेंगे, बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है. ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी. ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जो है इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट. This is known as collecting duct. ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है हेनलेज लूप. क्या कहा जाता है इसे, दिस इज टर्म्ड एज हेनलेज लूप. ठीक है, क्लियर है. अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के अंदर आपको ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, ब्लड को भेजना पड़ेगा, तभी ब्लड को फिल्टर कर पाएंगे. तो आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर आता है. यह आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर आया, दिस इज आर्टरी, और यहाँ पे ये जो आर्टरी है ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है. किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बंच ऑफ कैपिलरीज में, और फिर ट्यूब्यूल्स को क्या करती है, रैप कर देती है. क्या करती है, रैप करती है. ठीक है, जैसे कि ये ट्यूब्यूल है ओके, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, या हेनलेज लूप है, या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर अगर मैं धागा बांध दूं तो उसी तरीके से ये जो कैपिलरीज है ये क्या करती है, ट्यूब्यूल्स के अराउंड सराउंड हो जाती है. ठीक है, ये ब्लड लेके आ रही है, ये ब्लड का फ्लो दिखा रहा हूं मैं, और यहां से वापस बॉडी के अंदर चला जाएगा. ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं. दिस इज नोन एज इफ्रंट आर्टेरियल, दिस इज नोन एज एफ्रेंट आर्टेरियल. ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये क्या बंच ऑफ कैपिलरीज, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोमेरल्स, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोमेरल्स. द बंच ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरल्स. सो ग्लोमेरल्स प्लस बोमेंस कैप्सूल, अगर दोनों को कंसिडर किया जाए, दिस इज नोन एज द मालफिगन ट्यूब्यूल, दिस इज टर्म्ड एज मालफिगन ट्यूब्यूल. ठीक है, अब होता क्या है, यहां पे एक प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. कौन सा प्रोसेस होता है, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब ब्लड क्या होता है, ब्लड जब आता है बोमेन कैप्सूल के पास तो काफी प्रेशर में आता है ओके, ब्लड जब आता है तो काफी प्रेशर में आता है, तो जो कैपिलरीज होती है कैपिलरीज के थ्रू काफी सारी चीजें बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाती है, काफी सारी चीजें बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाती है. ठीक है, समझ में आया, ब्लड जब आया तो काफी सारी चीजें ब्लड के साथ यहाँ पे अंदर एंटर हो गई ओके, और वो चीजें वेस्ट भी है, यूरिया वाली चीजें भी है, प्लस इंपॉर्टेंट चीज भी है, प्रोटीन्स है और फूड पार्टिकल्स भी आ गए और वेस्ट भी आ गया, सब कुछ यहाँ पे आ गया, अच्छा भी और वेस्ट भी. ठीक है, अभी इसको समझने के लिए मैं ये आपको बात बोलता हूँ कि आपके घर पे एक कबर्ड है, काफी टाइम से आप सोच रहे थे इस कबर्ड को साफ करना है, और आपको टाइम मिला कि आज चलो कबर्ड साफ करना, तो आप कबर्ड कैसे साफ करोगे, काफी टाइम से बंद पड़ा था, काफी सारी चीजें आपके अंदर पड़ी है, तो आप साफ कैसे करोगे, तो आप पहले कबर्ड को खोलोगे. ठीक है, और खोलने के बाद क्या करोगे, जितनी भी चीजें अंदर है उसको आप बाहर निकालोगे.
कबर्ड खोल के जितनी भी चीजें हैं, अच्छी खराब वेस्ट इंपॉर्टेंट, सब बाहर निकालोगे, और बाहर निकालने के बाद क्या करोगे, आप उन चीजों को देखोगे कि इज इट इंपॉर्टेंट, तो अच्छी है तो आप फिर से लेके उसको अंदर डाल दोगे, अगर अच्छी नहीं है तो आप उसको वेस्ट में जाने दोगे। तो पहले तो क्या करोगे, आप सब चीजें बाहर निकालोगे कबर्ड से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जब ब्लड यहाँ पे आता है तो सब चीजें ब्लड यहाँ पे रिलीज कर देता है बोमन कैप्सूल के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। एवरीथिंग फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इन बोमेन्स कैप्सूल, एवरीथिंग फ्रॉम ब्लड इज रिलीज्ड इन बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, सब कुछ रिलीज हो जाता है। फिर ये जो चीजें हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट भी वेस्ट भी ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड वेस्ट कंपोनेंट सब ट्यूब्यूल्स में पास कर रहे हैं। और ट्यूब्यूल्स के ऊपर कौन है, ट्यूब्यूल्स को किसने वाइंड कर रखा है, मैंने बताया ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, कैपिलरीज लगी हुई है, क्या लगी हुई है, कैपिलरीज लगी हुई है। इन कैपिलरीज को कहा जाता है वासा रेक्टा, क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा, ठीक है। अभी कैपिलरीज क्या करेगी, ट्यूब्यूल्स को कवर किया, ओवरलैप कर रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको कैपिलरीज एब्सॉर्ब कर लेगी। वासा रेक्टा क्या कर लेगा, वासा रेक्टा एब्सॉर्ब्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब यहां पे अच्छा भी था खराब भी था, अब सब चीजें आगे मूव कर रही ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स के ऊपर कौन है, वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा क्या करेगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको एब्सॉर्ब करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये जो फिल्ट्रेट है आगे की तरफ पहुंचेगा तो उस फिल्ट्रेट में से क्या क्या निकल जाएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो सब क्या हो गई, वासा रेक्टा ने एब्सॉर्ब करके फिर से बॉडी में डाल दी, फिर से अपने पास आ जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ वेस्ट बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ वेस्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में आते आते क्या बच जाएगा, ओनली वेस्ट, ओनली वेस्ट इज लेफ्ट, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे भी जैसे मैंने अलमारी वाली बात करी, पहले आप क्या करोगे, सब कुछ बाहर निकाल दोगे, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज उसको एब्जॉर्ब करोगे, उसको रख लोगे, बाकी की चीजें जाने दोगे। तो उसी तरीके से जब ब्लड ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, तो ब्लड का हर एक कंपोनेंट क्या हो गया, बाहर आ गया, और फिर क्या हुआ, हर उस ब्लड के हर एक कंपोनेंट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको वासा रेक्टा ने एब्जॉर्ब किया और बाकी का वेस्ट बाहर चला गया। तो ये जो वेस्ट है, दिस वेस्ट इज व्हाट, दिस वेस्ट इज यूरिन, दिस वेस्ट इज यूरिन, ठीक है। तो आप बात नहीं मानोगे कि दिन का एवरी डे ये जो चीज होती है ना, जो सब है वेस्ट और इंपॉर्टेंट चीजें, उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट। सो इन अ डे किडनी 180 लीटर 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, कितना 180 लीटर 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। ये जो जिसमें अच्छा भी है, अच्छी कंपोनेंट्स भी है, वेस्ट कंपोनेंट्स भी है, वैसा 180 लीटर्स बनता है। और आप यूरिन कितनी रिलीज करते हो, इन अ डे आप 1.5 से 2 लीटर्स ऑफ यूरिन क्या करते हो, रिलीज करते हो, 1.5 से 2 लीटर्स ऑफ यूरिन इज रिलीज इन अ डे। मतलब आप इमेजिन करो, आपकी किडनी ने 180 लीटर 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बनाया था और उसमें से आपने रिलीज कितना किया, 1.5 से 2 लीटर्स ओनली, मतलब सब कहां गया, इट इज एब्जॉर्ब। आपकी किडनी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वासा रेक्टा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना था, बट वासा रेक्टा ने क्या किया, 180 में से सिर्फ 1.5 टू 2 लीटर्स ही जाने दिया जो वेस्ट है, बाकी ये सब चीजों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। गेटिंग द होल आइडिया, मतलब 178 या 177 लीटर्स इज रीएब्जॉर्ब्ड,
बाय द वासा रेक्टम. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो आई होप दिस इज क्लियर. हाउ इज किडनी डूइंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन? नाउ इफ द किडनी इज नॉट वर्किंग, किसी किसी में किडनी काम नहीं कर रही, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको एक मशीन यूज करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी. क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है. सो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होगा? द किडनी, इफ योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो यू हैव टू यूज दिस मशीन. और इसमें क्या होगा, आपके ब्लड को पास किया जाएगा ट्यूब के थ्रू. एक बॉक्स होता है बड़ा सा, उसमें काफी सारी ट्यूब्स होती है. मैं एक ही ट्यूब दिखाता हूं. ट्यूब से पास किया जाएगा. तो यहां पे जब आपका ब्लड पास हो रहा है और यहां पे जो बाजू में फ्लूइड है, ये दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है. ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है. तो अब क्या होगा, जब ब्लड पास होगा, दिस इज डाइल्यूट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है. ब्लड आपका कॉन्सेंट्रेटेड है और बाजू में जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट है. तो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट कंपोनेंट है वो निकल के कहां आ जाएंगे? वो निकल के आ जाएंगे आपके फ्लूइड में, और आपके ब्लड में से इंप्यूरिटीज निकल जाएगी, ठीक है. तो ये जो मशीन है इसे हीमोडायलाइजर कहा जाता है, या फिर हीमोडायलाइसिस यूनिट कहा जाता है, हीमोडायलाइसिस यूनिट कहा जाता है, ठीक है. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो आपको इस तरीके से आपके ब्लड को इस मशीन के थ्रू पास करना पड़ेगा, और आपके ब्लड में से जो भी इंप्यूरिटीज है मशीन क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और आपके ब्लड को क्या कर देगी, प्योर कर देगी. मतलब यहां पे आप डालोगे इम्प्योर ब्लड तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से आएगा प्योर ब्लड. तो जो भी आपका वेस्ट था वो इसने मशीन ने हीमोडायलिसिस यूनिट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और प्योर ब्लड को आगे पास ऑन कर दिया, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो वी गॉन थ्रू द टॉपिक ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर If you have any doubts, आप मुझे let me know करो, okay? और आपका जो भी वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो की नोट्स आपको बनानी है, नोट्स बना के मुझे भेजना है, ठीक है. सो वी डन विद डिफरेंट प्रोसेसेस इन द चैप्टर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स अबाउट द चैप्टर, ठीक है. चलो, बाय बाय.